हेलो दोस्तों, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, और उठते ही मैं लैपटॉप ले लिया हाथ में, क्योंकि मेरे को व्लॉग एडिट करना था। और डेली व्लॉग तो मेरे को करना ही अपलोड, तो आज एडिट करके सीधे अपलोड पे लगा दूंगा। तो फिलहाल अभी 5:30 हुए, तो आधे एक घंटे में हो जाएगा मेरा कार्यक्रम पूरा, और उसके बाद निकलेंगे बाहर की ओर, देखते हैं बाहर क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो पहले करते हैं यार ब्लॉग की एडिटिंग। हाँ तो भैया जी, एडिटिंग तो नहीं हो पाई पूरी, अभी दुकान में ही करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत रह गई थी, थोड़ा स्लो चल रहा था मेरा सॉफ्टवेयर, तो अब चलते हैं बाहर की ओर, लेट हो जाऊंगा नहीं तो दुकान के लिए। हाँ तो भैया जी, नानो के और खाना खा खो के अब हम चल पड़े हैं किंगल के लिए, तो चलते हैं फिर। अब ये देखो अंकु, सुबह 6 बजे तैयार हो गया है और स्कूल इसका 10 बजे है। अंकु, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गया? तो मैं जूते लेने जा रहा हूँ बोली। ओ माय गॉड, नए जूते! हाँ, कैसा लग रहा है फिर तेरे को? तू नए जूते ले रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बाल तो बना ले, मेरी मेरे तरह जाए। बाल ही नहीं है बनते, अब छोटे छोटे। मेरी तरह जाएगा बिना बाल बनाए? हाँ आपने बना दी बाल। तो भैया जी, गाड़ी में आ गए हम, गाड़ी घोड़ी गर्म करने के लिए लगा ली हमने, तो बस निकलेंगे अब थोड़ी देर में। हाँ तो भैया जी, किंगल पहुँच चुके हैं हम, तो सबसे पहले खोलेंगे अपनी दुकान, उसके बाद करेंगे पैकिंग शैकिंग का, कोई कार्यक्रम बचा नहीं है मेरे पास। उसके बाद सफाई सफूई करेंगे, और क्या करेंगे, डेली का काम है सफाई करना, सबसे ज़रूरी काम। तो खोलते हैं दुकान पहले। हाँ तो भैया जी, सफाई सफूई करके फ्री हो गया हूँ मैं एकदम से, तो थोड़ा मेरा व्लॉग एडिट करने को रह गया था, तो वो करता हूँ अब, शाम को डालना भी है मेरे को, तो वही करते हैं। हाँ तो भैया जी, लगभग 3:30 हो चुके हैं, और बाहर थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गया, ठंडा सा हो गया हल्का सा मौसम, तो बैठे हैं अभी आराम से। और दिवाली आ रही है, और लग नहीं रहा कि दिवाली है, एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई है दिवाली की। मतलब जब छोटे हुआ करते थे हम, तो क्रेज़ हुआ करता था कि पटाखे लेंगे, वो ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। अब नॉर्मल है सब कुछ, पता नहीं क्या हो जाता है टाइम के साथ। पर दिवाली इस बार रौनक भी नहीं है बाज़ार में, ऐसे खाली खाली सा सब कुछ, दुकानें भी अभी तक सजी नहीं है। कल से परसों से शायद मेरे को लग रहा है, सैटरडे से हो सकता है कि थोड़ा धूम हो दिवाली की, बाकी तब तक तो अभी बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, बैठे हैं आराम से, और क्या करेंगे। हाँ तो भैया जी, ठंड हो रही थी तो मैं हल्की सी चाय बना ली एक कप, तो पीते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। 7 ही बज चुके हैं, तो 7 बजे निकलते हैं अब घर की ओर। तो ये गाड़ी कर दिया मैं थोड़ी स्टार्ट, गर्म होने देता हूँ, थोड़ी ठंड हो गई है ना आज बाहर, तो थोड़ा सोच रहा हूँ गर्म होने दूँ, तो मोड़ के ले आते हैं अभी गाड़ी। तो हाँ भैया जी, घर पहुंच चुके हैं हम आराम से, तो आज है हमारी एक्सरसाइज का डे 2। तो थोड़ा हल्का फुल्का कुछ पहले खाते हैं, उसके बाद करेंगे कार्यक्रम शुरू। वैसे अभी टाइम 7 बज रहे हैं, तो
1 घंटे बाद, मतलब 8 बजे से करूँगा मैं अपना एक्सरसाइज शुरू। तो पहले जल्दी से कुछ खा लेते, फिर आधे घंटे का ब्रेक तो चाहिए कुछ थोड़ी देर के लिए। तो चलते हैं सीधे पहले किचन में। तो हाँ भैया जी, जैसा कि मैंने बताया आज मेरा सेकंड डे है, तो आज मैं करूँगा शोल्डर की एक्सरसाइज, दो तीन जो भी जितनी भी होगी मेरे से। तो पहले करते हैं वार्म अप, थोड़ा बाजू बुजू खोलते हैं, वैसे भी अभी 10 मिनट बजे 8 बजने के लिए, तो थोड़ा वार्म अप करते हैं, रनिंग रनिंग करूँगा और थोड़ी जंपिंग जैक्स वगैरह जो भी कुछ भी वार्म अप के लिए, तो वही करते हैं पहले। तो वार्म अप हो चुका है मेरा, तो अब शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो आज मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो सारी डंबल से होगी, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भैया जी आज हम सिर्फ 5 5 kg से ही करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ट्राई किया था शोल्डर का, तो इस कंधे में दर्द हो गई थी, सोच रहा हूँ इंजरी कोई नहीं होनी चाहिए, तो 5 5 kg काफी है, तो शुरू करते हैं। सोचा था कि मैं आज ना सारी एक्सरसाइज डंबल से करूँगा, पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ वो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेट रॉड से ज़्यादा अच्छे से होगी। तो ये हो गया स्ट्रेट रॉड, मैंने 3 3 किलो केट लगा दिया है, तो करते हैं। एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब लास्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रनिंग करेंगे, उसके बाद चलेंगे रूम के लिए। मेरी 3 एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और मैं भी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इंजरी हो, और ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो बॉडी पेन होगा, तो अगर बॉडी पेन होगा तो मन नहीं करता फिर एक्सरसाइज करने का। तो मैं अभी छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर रहा हूँ, 3 दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ दिन की, डे बाई डे या वीक बाई वीक इंक्रीज़ करूँगा इसमें। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा टहलते हैं बाहर और उसके बाद चलेंगे रूम के लिए बस। देखो ना प्यारे प्यारे, हमने क्या मम्मी ने प्यारे प्यारे पेड़ लगा के रखे इधर, और मैं सोच रहा हूँ एक आधा पेड़ ना, एक आधा का 2 3 पेड़ अपने रूम में भी लगा दूँ, और 2 3 पेड़ गाड़ी के लिए भी ले लूँ, सॉरी गाड़ी क्या दुकान के लिए, मस्त लगेंगे। चलो इस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम जल्दी। पेड़ों का नाम तो मुझे पता नहीं, पर बड़े खूबसूरत है। अरे ये अपना बेंच जो जुगाड़ करके बनाया है मैंने क्रेटों के साथ। हाँ तो भैया जी, थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद मैं आ गया अपने रूम में, तो अभी टाइम भी हो गया 8:45 के करीब हो गया, तो अब बस थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करेंगे अगर मन किया तो, नहीं तो सोचेंगे क्या करेंगे। हाँ तो भैया जी, 9:30 हो चुके हैं, तो नींद भी आ रही है, तो सो जाते हैं। व्लॉग व्लॉग कल ही एडिट करेंगे हम, आज तो पॉसिबल नहीं किसी भी वे में, तो मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो मेरा व्लॉग तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।